चलो दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो हो रहा था टेस्ट सीरीज, उसका तीसरा टेस्ट का पहला दिन का मैच खत्म हो चुका है, जहां पर पहले दिन ही इंडिया ऑल आउट हो चुका है। तो अगर मैच के बारे में बात करूं तो इंडिया पहली बार टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो टीम में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे। जैसे कि विराट कोहली वापसी कर लिए थे हनुमान विहारी के जगह पर, और उमेश यादव भी टीम में जगह बनाए थे, मोहम्मद सिराज जो कि पिछले मैच में थोड़ा सा इंजर्ड दिखे तो उनके जगह पर, और कोई भी चेंजेस नहीं था। और साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में अगर बात करूँ तो उनके टीम में कोई भी चेंजेस नहीं था, क्योंकि वो पिछले मैच जीते थे तो कोई भी चेंजेस नहीं किए थे वो टीम में। तो इंडिया की शुरुआत तो अच्छी रही, पर बहुत जल्दी ही स्टार्ट मिलने के बाद राहुल और मयंक अग्रवाल दोनों ही आउट हो गए थे। तो उसके बाद पुजारा बहुत अच्छी पारी इस बार खेले, तो थोड़ा तेज रन बनाए, और पुजारा और विराट कोहली के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई, और उसके बाद पुजारा भी चलते बने। तो उसके बाद विकेट का छड़ी लग गई, बहुत जल्दी विकेट गिरते चला गया, और एक तरफ विराट कोहली पारी संभाल रहे थे, तो विराट कोहली बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छी पारी खेले 79 रन की, पर 201 बॉल वो खेले, यानी बहुत सब्र के साथ वो खेल रहे थे। और उस उनके साथ और कोई भी ज़्यादा टिक नहीं पाए, पंत के अलावा पंत 27 रन की पारी खेले, तो इस बार वो विकेट फेंके नहीं, बहुत अच्छी खेल रहे थे। और तो इसके बाद कोई भी ज़्यादा टिक नहीं पाए और इंडिया 223 पर ऑल आउट हो गए। सिर्फ विराट कोहली अर्धशतक लगाए, 79 रन की पारी खेले, और उसके बाद साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई, जहां पर साउथ अफ्रीका 17 रन अभी तक बना चुके हैं, और एक विकेट उनका भी चला गया है, डीन एलगार आउट हो गए हैं 3 रन पे। तो यही था पहला दिन का मैच का खबर, और बहुत इंटरेस्टिंग रहा। विराट कोहली और रबाडा के बीच अगर कंटेस्ट हम देखें तो बहुत अच्छा कंटेस्ट देखने को मिला, तो आखिरकार रबाडा ने ही विराट कोहली को आउट किए, और दोनों की बैटल में जीत हुई रबाडा की। पर इसका मतलब नहीं है विराट कोहली अच्छा नहीं खेले, विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। तो मुझे लगता है अगर कोई साथ देने वाला उनका साथ होता तो विराट कोहली ज़रूर शतक लगाते, क्योंकि विकेट गिर रहा था, तो इसलिए वो अटैकिंग क्रिकेट खेले अंत में और आउट हो गए। तो यही था पहला दिन का मैच, दूसरे दिन का भी रिव्यू लेके आपके पास आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैं विदा लेता हूँ आपसे, बाय बाय दोस्तों।